alaikum. A very good morning to all of you. I hope आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे. हम देखते हैं कि जब जिन स्टूडेंट्स को गाइडेंस बहुत अच्छी मिली होती है, जिनके पेरेंट्स ने उनको उनके प्रोफेशन को चूज़ करने में गाइड अच्छा किया होता है, या वो जिस भी प्रोफेशन को परसू करना चाहते हैं उसमें उनको अच्छी गाइडेंस मिलती है, वो बहुत आगे तक जाते हैं. लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे बच्चे जो कि जिनको गाइडेंस नहीं मिलती सही है, वो प्रॉपर हासिल नहीं कर पाते, कोई एडवाइस उनको सही नहीं मिली होती, वो इतना अच्छा या वो लेटर अपने करियर में अच्छा जाते हैं जब उनको गाइडेंस अच्छा मिलना शुरू हो जाती है. कोई भी फील्ड हो पाकिस्तान में, लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं उसमें नेवी, एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी ऐसी फील्ड समझी जाती हैं लड़कों के लिए, जो कि बड़ा सेफ प्रोफेशन समझा जाता है और लड़के बड़े प्राउड फील करते हैं टू बी ए पार्ट ऑफ एनी थ्री ऑफ इन तमाम फोर्सेस में से. आज हमारी 50th एपिसोड है और हमने दावत दी हमारे डायरेक्टर कैंपस को कि वो आएँ और हमारे साथ इस खुशी में शरीक हों. और उनको बुलाने का मकसद ये भी है कि बिकॉज़ क्योंकि वो ख़ुद नेवी से बिलोंग करते हैं, तो वो उन तमाम बच्चों को जो कि शौक़ रखते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, वो ज़रूर इसमें आएँ, उनको वो गाइड करें. आज हमने उनको बुलाया कि वो स्टूडेंट्स को अपनी जो भी उनकी एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, एक्सपर्टीज शेयर करें. सैयद हसन मुस्तफ़ा, जिन्होंने पाकिस्तान नेवी में मिशन हासिल किया 1979 में, और उन्होंने इनिशियल ईयर्स ऑफ इस करियर में उन्होंने सर्व किया ऑन बोर्ड पीएन शिप्स को, और उसके बाद ही ज्वाइंट सबमरीन सर्विस और टू सबमरीन्स जो सबमरीन्स हैं उनको भी उन्होंने कमांड किया. उनकी अदर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कमांडर नॉर्थ एंड इस्लामाबाद रही हैं. उन्होंने मास्टर्स के इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, डिप्लोमा होल्डर हैं इन फ्रेंच लैंग्वेज, ग्रेजुएटेड जब उन्होंने पाकिस्तान नेवल अकेडमी से ग्रेजुएट हुए तो ही वॉज ऑल्सो उन्होंने US नेवल वॉर कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ा, एंड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एंड PN वॉर कॉलेज. बहरिया यूनिवर्सिटी के वो अभी डायरेक्टर कैंपस हैं, एंड ही जॉइंड ऑन 30th April 2014. उनको वेलकम करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वी वेरी होपफुल, एंड वी हमें बिल्कुल यकीन है इस बात का कि जो स्टूडेंट्स इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी गेनिंग समथिंग, एंड उनको एक बहुत अच्छा एक गाइडेंस उनको मिलेगी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले बीइंग अ पार्ट ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी, आज हम अपना 50th एपिसोड जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे बीइंग अ पार्ट ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि माशाल्लाह आज आपका सिल्वर जुबली सेशन हो रहा है, और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह इतना अच्छा आपका स्टूडियो तैयार हो गया है. आप लोग यहाँ पे सारी ड्यूटीज़ कर रहे हैं जिसमें आप एंकर पर्सन हैं, हमारे कैमरा पर्सन हैं, तो माशाल्लाह दिस अ वेरी गुड जर्नी आई वुड से विच हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसमें और बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह. सर, कमिंग बैक टू जो हम चाहते हैं कि बच्चों को जो आपके प्रोफेशन को एज अ करियर परसू करना चाहते हैं उनको गाइडेंस मिले और आप अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें उनसे, मुझे बताएं कि व्हाई डिड यू चूज़ पाकिस्तान नेवी? आपका अपना शौक था, एक बड़ा सेफ प्रोफेशन समझा जाता है बच्चों के लिए कि आप सेकेंड ईयर के बाद अपेयर हो जाए टेस्ट में, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती बाद में आप, क्योंकि अगर आप फैमिली बैकग्राउंड भी आपका अच्छा हो तो आप बहुत आगे तक जाते हैं. आपने क्यों चूज़ किया पाकिस्तान नेवी को? बेटे, पाकिस्तान नेवी को चूज़ करने का बेसिक जो मेरे ख्याल में वजह थी वो ये थी कि आई स्टडीड इन अ कैडेट कॉलेज, कैडेट कॉलेज पटारो में, 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक. अब आपको शायद मालूम हो कि कैडेट कॉलेज बेसिकली होता ही मिलिट्री ओरिएंटेड है, जिसमें PT परेड हो रही है, यूनिफॉर्म है, एंड यू नो एवरीथिंग. तो शुरू से ही ये था कि जो जाना तो फोर्सेज में, और जिस तरह के सारे बच्चे करते हैं कि जाना किस में, एयरफोर्स में, एयरफोर्स में जाना है. ठीक, लेकिन समहाउ अल्लाह जो करता है बेहतर करता है. अल्लाह ने पहले हवा में उड़ने की, ठीक है हवा में उड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं आपको पानी के अंदर जाना है, तो फिर फनी नेवी में आ गए, और फिर उसके बाद सबमरीन ज्वाइन की मैंने. अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सही डिसीजन किया मेरे लिए, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. अच्छा, मुझे बताएं गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, या जब आपको एट सम स्टेज इन लाइफ में जब आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि बच्चे एट सम स्टेज वो चूज़ नहीं कर पाते कि वो यहाँ जाए या वहाँ जाए, वो बिल्कुल कन्फ्यूज रहते हैं. आपके लिए गाइडेंस कितना ज़रूरी था? पेरेंट्स ने कितना आपको सपोर्ट किया? उन्होंने कहा ठीक है आप जाना चाहते हैं ज़रूर जाएँ, कितना सपोर्ट आपको रहा? बेटे, आपने बिल्कुल सही कहा, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जिस एज में मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, अभी वो इतना मैच्योर नहीं होता कि अपने लिए वो चीज़ बेहतर सेलेक्ट कर सके. अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि हमारे मुल्क में, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आर्ट्स का शौक़ है, मैं चाहता हूँ कि मैं पेंटिंग करूँ,
तो मुझे मेरे वालदैन कभी इस प्रोफेशन में जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे जी अगर पेंटिंग करेगा तो ये खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से, तो या तो तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर इंजीनियर बनो। ठीक, तो यही सारी चीज़ होती है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आई वुड से कि हमारे यहाँ भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है माशाल्लाह। आप लोग मीडिया, अब से अगर 20-25-30 साल पहले मीडिया का नाम लेते कहते नहीं क्या करना है आपने, नहीं हो सकता। लेकिन अब माशाल्लाह हमारे यहाँ भी एवेन्यूज़ खुल रही हैं। तो गाइडेंस पे सबसे पहले तो देखना चाहिए कि बच्चे के अंदर टेंडेंसी क्या है, इसके अंदर हाँ उसके टैलेंट क्या है, मतलब उसके अंदर उसका फॉर्टी क्या है, क्या चीज़ अच्छी कर सकता है, वो देखते हुए। और ये सबसे ज़्यादा वालदैन वाले जो हैं और माँ टू सम एक्सटेंट वो जानते हैं कि हमारे बच्चे या बच्ची के अंदर क्या चीज़ अच्छी है। और फिर वालदैन और फिर जो असातज़ा होते हैं जो कि मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में वो भी गाइड कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस से फिर बच्चा सही डायरेक्शन में जा सकता है, सही लाइन में जा सकता है। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट कि लाइक फॉर एग्जांपल मुझे शौक़ है पेंटिंग का मिसाल के तौर पे, या मुझे शौक़ है फ़ौज में जाने का, मुझे टीचर बनने का शौक है, अगर कमिटमेंट नहीं है आपके अंदर तो शौक़ आपका वो कामयाब नहीं, नहीं कर सकते। बिल्कुल आपके अंदर कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि जिस काम के अंदर मैं गया हूँ या गई हूँ उसको मैं फुल 100% तरीके से करूँगा, तब तो कामयाबी है, अदरवाइज सिर्फ शौक़ से गुजारा नहीं होगा। अच्छा, डिसिप्लिन आपका, क्योंकि जितनी भी हम आर्म फोर्सेस की बात करें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, घर में आपका डिसिप्लिन किस तरह था और फिर बाद में जब आप नेवी में, तो ऑब्वियसली फिर डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन था, लेकिन घर में आपका किस तरह माहौल था, पेरेंट्स सख्त थे आपके साथ के या लड़कों के, तो पेरेंट्स अक्सर बड़े ज़्यादा थोड़े से होते हैं कि बच्चा ख़राब ना हो जाए। नहीं बेटे, आई वॉज फॉर्चुनेट इन दैट मेरे वालिद मरहूम जो थे ही वॉज अ प्रोफेसर इन कैडेट कॉलेज पटारो, तो हम तो बचपन से ही वहाँ रहे, फिर 8वीं क्लास से। अच्छा, शुरू से आपका स्ट्रिक्ट माहौल नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कम से कम हम देखते थे डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन था, तो वो बाय नेचर वो आता ही गया और फिर अल्लाह का शुक्र है उस तरह से चलता गया। अच्छा, मुझे लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन के बगैर। लेकिन आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो आप उसको कैसे रिलेट करेंगे, क्या मतलब आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप स्टूडेंट्स को देखते हैं उस लेवल पे, आप क्या कहेंगे आजकल के बच्चों में तो डिसिप्लिन बिल्कुल एक मतलब एक चीज़ है जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप क्या कहते हैं कि आपके टाइम में जो डिसिप्लिन था और आपके टाइम में जो डिसिप्लिन है या जो आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, क्या कितना डिफरेंस आया बीच में? बेटे इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद आप एग्री ना करें। देखो बेटे, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आपने एक टाइम पर पहुँचना, सारी चीज़ें उसके हिसाब से करनी, लेकिन वो जो एक शेर है ना उर्दू का कि बेहतर है पासबान रहे, बेहतर है साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। ठीक है, तो मतलब डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, एक बेसिक फ्रेमवर्क आपका डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल वो देख रहा है कि मैं अपने आप को उस डिसिप्लिन के अंदर घुटा घुटा महसूस कर रहा हूँ, आई कैन नॉट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा, तो प्रॉब्ली आपको उसको देखते हुए बेसिक डिसिप्लिन के साथ उसको थोड़ा सा छोड़ भी देना चाहिए। अच्छा जी, तुम जो कुछ करना चाहते हो करो, समझे आप मेरी बात? कि अगर एक इंडिविजुअल की टेंडेंसी इस तरह घुट के काम करने की नहीं, नहीं है, तो आपको उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। हाँ। तो हमारे आज के बच्चे माशाल्लाह कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, सब अच्छे बच्चे सही हैं, थोड़ा सा टाइम का फैक्टर होता है, इस एज में होता है बच्चों के साथ, जो बच्चे इस एज में समझ लेते हैं कि नहीं टाइम कितना ज़रूरी है कितना इंपॉर्टेंट है, उन्हें प्रॉब्लम बाद में हेल्प होती है, उन्हें बाद में हेल्प होती है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी जो बच्चे हैं मेजॉरिटी उनमें से टकरें खा के यू नो स्टम्बल होकर समझ ही जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि पहले समझ, एंड लेटर एज मेरे ख्याल से हर बच्चा समझ जाता है, समझ जाता है बेटा। हाँ, लेकिन देयर आर फ्यू अनफॉर्चुनेट फ्यू जो कि आखिर तक नहीं समझते। सही बात है। अच्छा, मुझे आप प्लीज़ सर उन बच्चों को गाइड करें जो कि नेवी को एज अ प्रोफेशन परसू करना चाहते हैं, नेवी के बारे में बताएं, उसके एनवायरनमेंट के बारे में बताएं कि बाकी जितनी भी फोर्सेज हैं उससे डिफरेंट है या नहीं, सिमिलर है उससे, तक मिलता जुलता है? बेटे फोर्सेज माशाल्लाह सारी अच्छी हैं, आर्मी नहीं एयरफोर्स तीनों बहुत अच्छी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का शौक किस तरफ है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू बी अ फ्लायर जाहिर है एयरफोर्स में जाए, ऑल दो हमारे पास भी नेवी में भी एविएशन विंग है, लेकिन फाइटर पायलट तो जाहिर है फिर एयरफोर्स में ही होते हैं। अगर आप कॉम्बैट के शौकीन है, लैंड कॉम्बैट के शौकीन है, देन आर्मी इज़ अ राइट प्लेस। नेवी के अंदर ये है कि नेवी में हमें बाई डिफ़ॉल्ट माशाल्लाह एक्सपोजर बहुत मिलता है, पूरी दुनिया घूमने का एक्सपोजर मिलता है, पढ़ने लिखने का बहुत हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इस तरह से ना सिर्फ ये कि आपकी अपनी प्रोफेशन में ग्रूमिंग हो रही होती है, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी हो रही होती है। जब आप बाहर के मुल्कों में घूमते हैं, आप देखते हैं कि दुनिया कैसे जा रही है, तो एक इनडायरेक्ट ग्रूमिंग भी आपके अंदर होती है। तो ये आई वुड से कि नेवी इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि दोनों तरफ आपकी डेवलपमेंट होती है अच्छी। और आप जब डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप वैसे ही ग्रूम होते हैं। अच्छा, आपने दो सबमरीन्स को आपने कमांड किया, उसके बारे में बताएं कि सबमरीन होती क्या है और नेवी के टर्म्स में जो है इसको हम किस तरह समझेंगे?
बेटे नेवी इज़ नाउ 4 to 5 डायमेंशनल फोर्सेस, जिसके अंदर ये कि हमारे सरफेस शिप्स होते हैं जो कि सरफेस नेवी कहलाती है, फिर हमारी सब सरफेस फोर्सेस होती हैं जो कि सबमरीन होती है, देन वी हैव मतलब पानी के वो जो बीच में जाती है उनको हम सबमरीन कहते हैं। हाँ ये बेटे सबमरीन होती है, पानी के अंदर जाती है। अच्छा, हम पानी के अंदर डाइव करते हैं और पानी के अंदर छुप के, जबकि एनिमी का शिप आ रहा होता है सामने से, एनिमी को नहीं पता कि आप कहाँ हैं, एंड देन यू गो एंड अटैक देम। सर्टेन डिटेक्टर्स भी होंगे जो आप बता। हमारे सब इक्विपमेंट होता है जो कि उसको सोनार कहा जाता है, जो कि उसको डिटेक्ट करता है और फिर आप उस पर अटैक करते हैं। अच्छा एविएशन हो गया, मैंने आपको बताया, सरफेस शिप्स हो गए, सबमरीन्स हो गई, देन वी हैव आवर SSG, हमारे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले जो लोग हैं जो कि स्पेशली ट्रेन्ड फॉर ऑपरेशन एट सी, एंड देन वी हैव मरीन्स ऑल्सो। तो माशाल्लाह कोई इंडिविजुअल, कोई बच्चा अगर नेवी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको अपने शौक के लिहाज से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपका शौक किस में, आपके शौक और जब आपका शौक होगा तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आप उस में कामयाब ही रहेंगे। आपने लेकिन कमिटमेंट के साथ, कमिटमेंट सिर्फ शौक से काम नहीं चले, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से आपको ये फोर्सेस में आना आपको कमिटमेंट सिखा देते हैं, क्योंकि आपसे वो बिल्कुल आपका एक वो ओथ आपसे लेते हैं कि आप कमिटेड रहेंगे इस प्रोफेशन के साथ, ऑनेस्ट रहेंगे। बिल्कुल बेटा ये है, और ये कि अगर फर्ज कीजिए आप नहीं दिखा रहे हैं या तो फिर बीच में फिल्टर आउट होते जाते हैं, होते जाते हैं। ये नहीं कि हर कोई जो है बिल्कुल ही ऊपर तक चला जाए या एंड तक पहुंच जाए, या एंड तक पहुंच जाए। जाहिर है लक इस देर, लक तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कमिटमेंट और शौक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं, आपने फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा किया, फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों चूज़ किया? बेटे मुझे नेवी ने सिलेक्ट किया था फॉर अ कोर्स इन फ्रांस। फ्रांस में मुझे कोर्स करना था और वो कोर्स था टेक्निकल, तो एंड दैट वाज इन फ्रेंच। अच्छा, और पूरा कोई 1.5 साल का कोर्स था जो कि फ्रेंच में था, तो उसके लिए फ्रेंच सीखना लामाला ज़रूरी थी। तो 1 साल हमने यहाँ पे नुमल, जो कि उस ज़माने में NIML कहलाता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, अच्छा वहाँ पे 1 साल का कोर्स था फ्रेंच का, वो हमने कोर्स किया। और 1 साल के कोर्स करने के बाद वी थॉट कि जी अब तो हमें फ्रेंच बड़ी अच्छी आती है, नो प्रॉब्लम, अब तो फ्रांस के सदर भी हमसे बात करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन द मोमेंट वी लैंडेड इन पेरिस, और 1 मिनट के अंदर अंदर फ्रेंच हमारी ज़मीन पे आ गई। बहुत मुश्किल थी क्योंकि पढ़ना लिखना एक चीज़ होती है और किसी से कन्वर्स करना वो दूसरी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन आफ्टर हैविंग स्पेंट 1 ईयर हेयर एट दी नेमल, एक हमें हफ्ता लगा फ्रांस में, 2 हफ्ते जिसमें हर चीज़ ज़ाहिर है फ्रेंच में हो रही है, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। और आप फ्लुएंट है फ्रेंच लैंग्वेज में और बोलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, लेकिन बहरहाल जब भी मौका मिलता है। ये नहीं होता कि अगर आप कम बोल रहे हैं उसको तो फिर आप भूल जाते हैं एट सर्टेन पॉइंट की? नहीं, हाँ जाहिर है जितनी फ्लुएंसी पहले होती थी वो अब नहीं है, लेकिन भूल ले तो बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ दफ़ा अभी भी ये होता है कि इंग्लिश के अल्फाज के बजाय फ्रेंच के अल्फाज लफ्ज़ ज़हन में आ जाते हैं। अच्छा, तो फिर नहीं करना पता, नहीं नहीं ये नहीं, ये वाला लफ्ज़ है, लफ्ज़ है। अच्छा मुझे बताएं कि ऑब्वियसली आपने माशाल्लाह इतना अचीव किया तो लगता है कि बड़ा आसान सफ़र रहा होगा, बड़ा आसानी से सब कुछ होगा, लेकिन ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज़ हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, स्ट्रगल्स होती हैं। आपने क्या अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स देखी, क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ी? बेटे कोई भी सफ़र जिस तरह आपने कहा कि स्मूथ नहीं होता, आसान नहीं होता, उसमें मुश्किलें होती हैं, आसानियाँ भी आती हैं। अब उन मुश्किलों को सबसे पहले तो अल्लाह की मदद साथ होनी चाहिए, यू हैव टू बी लकी, ठीक, अल्लाह की मदद आपके साथ हो। अल्लाह की मदद के लिए आप अल्लाह की इबादत करते रहिए, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखिए और दूसरों के साथ अच्छे रहिए। अगर आप ये कहेंगे तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह की मदद आपके साथ रहेगी, लेकिन फिर भी अल्लाह इम्तहान भी लेता है अपने बंदों का, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। कमिटमेंट से काम करें, मेहनत से काम करें और अपना 100% देने की कोशिश करें, बाकी आप छोड़ दीजिए अल्लाह पे, किस्मत इंशाल्लाह रास्ता बनता चला जाएगा। सही बात, अल्लाह ताला खुद अपने बंदों के लिए रास्ता बनाता है। बिल्कुल। और मैंने ज़िंदगी से एक सबक और भी सीखा कि बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको उस वक्त लगती हैं कि ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, और आप थोड़ी अरसे के बाद वंस यू लुक बैक आप देखते हैं कि नहीं तो बहुत अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें, बल्कि हर चीज़ अल्लाह पर भी छोड़नी चाहिए कि अल्लाह जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। गुंजाइश हर इंस्टीट्यूशन में रहती है, हर इदारे में रहती है, हमारे यहाँ भी माशाल्लाह बहुत बेहतरी है। आपने कहा कि अच्छा इंस्टीट्यूशन, माशाल्लाह हम एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और आप अच्छा इंस्टीट्यूशन कैसे देख सकते हैं, किस तरह से गेज कर सकते हैं, किस तरह से मालूम कर सकते हैं, उसके 2 तरीक़े। एक तो ये कि आपकी प्रोडक्ट, आपके जो बच्चे जो कि मार्केट में जाते हैं, जो कि जाके जॉब करते हैं, उनके बारे में क्या आपके पास फीडबैक आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अपने बच्चों के इंटरव्यूज़ करते रहते हैं जो फैकल्टी में आते हैं या मुख्तलिफ पोजीशंस में, तो हमारे जो बच्चे हैं बहरिया के, दे स्टैंड आउट, लगता है, नज़र आता है कि जी ये बच्चे किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन के पढ़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं इस चीज़ को, जाहिर है सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, उसमें से आप समझिए कोई 60-70% होते हैं, हम चाहते हैं बाकी जो 3-4% रह गए उनको भी इस तरह से किया जाए। तो उस डायरेक्शन में सफ़र जारी है, और सफ़र के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा चाहिए होता है,
आपने देखा, आपको पता है माशाल्लाह आप भी यहाँ के स्टूडेंट हैं हमारे, कि हमारी लोकेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर अस कि हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर ऑफ इस्लामाबाद में बैठे हैं, सेंट्रली लोकेटेड। बट ऑन द अदर हैंड दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज, क्यों? इसलिए कि हमारे पास जगह नहीं है, हम एक्सपेंड कहाँ करें? सही बात। तो उसके लिए माशाल्लाह हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है कोशिश हो रही है कि हमने कहाँ कहाँ जाना है, H11 की तरफ जाने की कोशिश हो रही है और मुख्तलिफ जगहों पे, तो अच्छे प्लान्स, और माशाल्लाह सिर्फ प्लान्स नहीं है, उन प्लान्स पे अमल भी हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू वुड सी कि बहरिया यूनिवर्सिटी फर्दर प्रोग्रेस करें इंशाल्लाह। जब हम बहरिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो नेशनल लेवल पे तो ऑब्वियसली बहरिया यूनिवर्सिटी का एक नाम है, लेकिन जब आपने नेशनल लेवल पे ये अचीव किया तो ऑब्वियसली यू वांट टू टेक अ स्टेप अहेड, ठीक है। अब आप इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल जो पाकिस्तान से अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनमें आप क्या समझते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना, बाकी मुल्कों को ये मैसेज देना कि पाकिस्तान में भी एजुकेशन उतनी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है जिस तरह बाकी के मुल्कों में कंसिडर की जाती है? हाँ बेटे, बड़ा अच्छा आपका सवाल है और इस सिलसिले में काम भी हो रहा है। बेसिकली आपको शायद मालूम हो कि हमारे यहाँ पे जो HEIs हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनकी एक्रेडिशन बॉडीज़ होती हैं, जैसे HEC है हमारी, उसके बाद और NBEAC है और मुख्तलिफ तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसी तरह की एक्रेडिशन बॉडीज़ इंटरनेशनली भी होती हैं। एक बड़ा आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा एक साफ जो तरीका नज़र आता है वो ये है कि आप इंटरनेशनल एक्रेडिशन बॉडीज़ से बातचीत करें, अपने आप को उनके स्टैंडर्ड पर लाएँ और आप उनसे एक्रेडिटेड हो जाए। तो जब कोई भी आप समझे बाहर का बच्चा है या देखिए कोई मुल्क देखना चाह रहा होगा कि पाकिस्तान के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, तो इन एक्रेडिटेशन बॉडीज़ को देखेगा जो कि इंटरनेशनल है, और उसमें जब इंशाल्लाह बहरिया यूनिवर्सिटी का नाम होगा तो आप खुद ब खुद आप उस लीग के अंदर शामिल हो जाएंगे जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड यूनिवर्सिटी होगी। एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये कि हमारी आपको पता है कि माशाल्लाह बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कोलेबोरेशन है, हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, उनकी फैकल्टी भी कभी कभार आती है। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर बाज़ हुआ कुछ हमारे यहाँ हालात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग आते हुए घबराते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अभी भी जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने देखा बाहर से लोग आए थे, तो ये एक कोलेबोरेशन जो है विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, ये भी आपको स्पेस देगी इंटरनेशनल। अच्छा सर, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, हम देखते हैं बाहर इंटर्नशिप्स के लिए जाते भी हैं, बाहर पढ़ने के लिए भी जाते हैं, स्कॉलरशिप्स पर भी जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि बाहर के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी देना कितना इंपॉर्टेंट है कि वो आएंगे देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या लेवल है? बेटे बहुत ज़रूरी है कि बाहर के लोग अगर आएँ तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप ये ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि बाहर का स्टूडेंट सिर्फ ये देखने नहीं आया कि पाकिस्तान कैसा है और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी कैसी है, अनलेस के वो कोई खास रिसर्च कर रहा हो उसके ऊपर, तब तो शायद वो आएगा। वो सिर्फ ये देखने के लिए आएगा कि मेरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी में और इस मुल्क में कितनी अच्छी हो सकती है, तो फॉर दैट यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन योर सेल्फ। आपकी यूनिवर्सिटी को, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपने आप को ऊपर लाना पड़ेगा इस स्टैंडर्ड पे कि बाहर के लोग कहें कि नहीं, मैं जो एक छः महीने का जो मेरी ट्रांसफ़र जो होता है बिटवीन द यूनिवर्सिटीज़, वो मैं जाके पाकिस्तान में बहरिया यूनिवर्सिटी में करूँगा। अच्छा मुझे बताएं कि क्या नया बहरिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या नया स्टोर्स में मौजूद है, या क्या आपके कुछ प्लान्स हैं मज़ीद उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या उनको प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, क्या आप समझते हैं कि क्या अगला क्या स्टेप है आपका? बेटा मैं आपको इसमें बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, मैं आपको सिर्फ कैंपस के हिसाब से बताऊंगा कि सबसे पहला जो मसला हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है खुद वो आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि माशाल्लाह वी हैव 7000 प्लस स्टूडेंट्स हियर, और अगर आप स्टाफ को सबको मिला दें तो अच्छे खासे 8000 तक के लोग हो जाते हैं, और जगह अगेन जिस तरह मैंने कहा लिमिटेड है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें, बिकॉज स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका इर्द गिर्द आपको स्पेस मिलेगी तो ऑब्वियसली फिर आप ज़्यादा कर सकेंगे, और यहाँ पर ज़रा स्पेस थोड़ी सी, हाँ लेकिन उसी लिए बट आपने देखा होगा काम हो रहा है हमारा, इंशाल्लाह एक नई बिल्डिंग बन रही है जिसमें हमारा जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट साइंस का, वो उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा। जब वो वहाँ पे शिफ्ट होगा तो इंशाल्लाह वील हैव मोर स्पेस जिसमें क्या जिसके अंदर हम नए प्रोग्राम शुरू कर सकेंगे, और जो हमें थोड़ा सा सफोकेशन टाइप की हल्की सी फीलिंग आती है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और फिर ये उसके बाद दूसरा जिस तरह मैंने आपको बताया कि H11 सेक्टर में भी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है बनाने का, तो उससे और ज़्यादा फिर हमें यहाँ पर जगह मिलेगी, और फिर थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली ज़रा ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अच्छा हम लोगों ने बड़ी बातें कर ली गाइडेंस के हवाले से, ना होप स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। मुझे बताएं सर कि आपकी क्या रूटीन है, क्या आप डाइट करते हैं, कोई प्रॉपर ग़िज़ा जो है वो लेते हैं या नहीं, कोई परहेज़ का खाना खाते हैं या नहीं?
किस तरह वॉक करते हैं या आपकी मेरे काफी खाना वॉक हो चाहिए जाती है? वॉक हो जाती है, मतलब हफ्ते में तीन चार इधर तीन दिन आप तो कम से चक्कर कम हो शक्कर जाते लगा हैं रहे तो इधर भी अच्छी यहाँ खासी की। तो बेटा गर्मी। वॉक शायद इतना ना हो, लेकिन ये हाँ करना पड़ती है। वॉक हमारी एज में खासतौर पर बहुत ज़रूरी है करना, और डाइट करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि करना चाहिए। लेकिन यू नो, जब आपके सामने अच्छी मज़ेदार चीज़ें रखी हों तो बन रखी बस हूँ दफ़ा आप स्लिप हो जाते हैं, लेकिन डाइट करना होती है, होना चाहिए होती है। डाइट, अच्छा ज़रूरी मुझे है। बताएं कि वीकेंड्स आपके फैमिली के लिए होंगे, किस तरह टाइम को मैनेज करते हैं? कभी गिला शिकवा आता है घर वालों से कि बिल्कुल आप, क्योंकि ऑब्वियसली आप पोस्ट पे भी आप किस तरह है कि आप बहुत बिजी रहते होंगे, लेकिन कोई गिला वगैरह आता है उनकी तरफ से कि टाइम नहीं देते आप या वीकेंड्स में भी बिजी हो नहीं जाते बेटा, हैं? अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये तो एक, जिस तरह हम यहाँ बात करते हैं अपने ऑफिस में कि एक टीम वर्क होता है, इस तरह घर के अंदर भी एक टीम टीम वर्क वर्क होता होता है। है। अगर एक दूसरे से इस तरह गले शिकवे होने लगे तो प्रॉब्लम फिर चीज़ अच्छी नहीं होती। टाइम मैनेजमेंट की हाँ, क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए? आप क्या समझते हैं बहुत किस तरह आप ज़रूरी है बेटा, मैनेज बहुत करते हैं ज़रूरी टाइम है। अगर को? आप टाइम मैनेज ना कर सकें तो फिर तो आप कोई काम नहीं कर नहीं सकते। कर कि सकते। आपका मीटिंग अभी शुरू होने वाली, पता चला आप तो अभी रास्ते में। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है अच्छा बेटा। टीवी वगैरह देखते हैं ज़्यादा, पॉलिटिकल शोज़ देखते हैं बिल्कुल भी नहीं देखता, या बिल्कुल भी ड्रामास नहीं। देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं? मूवीज़ का शौक है बेटा आखिरी मुझे। मूवी कौन सी देखी थी आपने? लेट्स सी, अभी तीन चार उस पहले देखी मैंने, याद आएगा नाम तो अच्छा बताऊंगा आप मैं आपको। सिनेमा वगैरह जाते हैं यानी घर पे, बेटे अब सिनेमा नहीं जाता, बस टीवी पे देखना और होता है। हाँ, पॉलिटिकल शोज आप बिल्कुल भी नहीं देखते? नहीं बिल्कुल नहीं देखता। क्यों? अच्छा अच्छा मुझे बताएं कि रीडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लिए? ऑब्वियसली जब आप एक, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते हैं हम के लोगों में बड़ा एक, अभी तो स्टूडेंट्स में थोड़ा बहुत फिर रीडिंग का एक रुझान आया है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए? बेटी, रीडिंग पढ़ते बहुत हैं आप, ज़रूरी। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? न्यूज़पेपर तो बेटे पढ़ते ही हैं जाहिर है, लेकिन ये कि रीडिंग अदरवाइज इज़ वेरी बिसाइड्स इंपॉर्टेंट। द न्यूज़पेपर, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और चलिए, पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। आजकल लाइब्रेरी में जाने का इतना रिवाज नहीं रहा, नहीं तो नाउ रहा यू हैव टैबलेट्स, यू हैव अदर थिंग्स, पढ़िए ज़रूर। पढ़ना, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत जी। ये आपके दिमाग के दरीचे खोलती है, आपके आइडियाज़ देती है, आपको सिखाती है कि क्या करना है, कैसे जाना है। अच्छा और बग किस जी किस किस तरह की रीडिंग, मतलब आप बहुत से लोग के डिफरेंट शौक होते हैं, आप किस तरह की रीडिंग करना पसंद करते हैं? बहुत कोई सीरियस बुक्स पढ़ते हैं या किस तरह की फिक्शन? बेटे, हमारी एज में फिलोसॉफिकली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है। लेकिन एट हाँ सर्टेन पॉइंट आपने भी वो पढ़ी होंगी बुक्स, तो हाँ आपने बेटे, हाँ भी। जाहिर है, उस एज में हमने सब अपनी फिक्शन भी पढ़ी है, सब कुछ किया। अभी भी कोई अच्छी फिक्शन की किताब हो जाए तो वो पढ़ लेते पढ़ हैं। लेते हैं। हाँ जी, अच्छा मुझे हाँ बताएं कि बच्चों पे आपने जोर जबरदस्ती रखी कि नहीं जो बस मैंने कह दिया तो वो वाला प्रोफेशन चूज करना है या ये करना है, या स्ट्रिक्ट पेरेंट रहे या नहीं? बेटा, जिस मैंने पहले बताया कि मेरे वालदैन भी मेरे साथ स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो मैं तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं था अपने बच्चों के साथ। और अच्छा मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर आप बच्चों पे स्ट्रिक्ट रहेंगे तो प्रॉब्ली बच्चे परफॉर्म नहीं नहीं करेंगे कर उस तरह से। सकते। हाँ, आपको उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। लेकिन अगेन बेटा, यहाँ पे ये है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। अगर किसी के तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक बच्चा हो जिसको आपको सख्ती से डील करना हो। करना पड़ता तो है। हाँ लेकिन नॉर्मली ये है कि आपको बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, तभी अच्छा और होता उनको है। आपने अपने जो जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहते थे आपने उनको जाने बिल्कुल दिया। बेटा, इसी तरह से किया। अच्छा और बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी सपोर्ट। होता है। अच्छा सर जाते जाते कोई भी मैसेज जो आप बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, ऑब्वियसली हमें बिल्कुल जो है वो यकीन है इस बात पे कि बहुत उन्होंने आपसे जो है वो गाइडेंस ली होगी, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को? मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग मेरे पास आए हैं, मैंने उनको बताया भी है कि दिस इज़ द टाइम टू मेक अ ब्रेक। आपके वालदैन आप पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ लोग 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, कुछ 3 साल का कोर्स कर रहे हैं। अगर हम शुरू से ही सही लाइन को पकड़ लें और एहतियात के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें, अच्छा CGPA लेकर आएँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब ये 4 साल गुजर के आप बहरिया यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे, हाँ मैंने यहाँ पे गेन किया है कुछ। नहीं करेंगे आप अभी हंसी मज़ाक बहुत ज़रूरी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे फोकस देना है वो मेन चीज़ है पढ़ाई। क्योंकि आपका जो CGPA है और आपकी जो ग्रूमिंग है, यहाँ पे दोनों चीज़ें, सिर्फ CGPA भी काम नहीं करेगा, CGPA और आपकी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग कैसे होनी है, हमारे पास बहुत सारे क्लब्स हैं, डिबेटिंग क्लब है, हमारे पास ड्रामा क्लब है, इन सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, इनमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब 4 साल के बाद आप यहाँ से निकल के जाएंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन एज़ फार एज़ योर एजुकेशन इज़ कंसर्न। और कम से कम 10 कंपनीज ऐसी हैं जो कि भाग रही होंगी कि हमने बहरी यूनिवर्सिटी के इस बच्चे को लेना है। वेरी तो मेरा वेरी सर, आपको ये मशवरा है। बहुत अच्छा मैसेज था सर। और ग्रूमिंग की बहुत आपने बात की, ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप
जनरली क्या आपका कितना आप समझते हैं कि ग्रूमिंग एक पर बच्चे 4 में से 4 GPA लेके आ जाएंगे या बहुत अच्छा सी GPA भी ले लेंगे, लेकिन ग्रूमिंग उनकी इतनी सही नहीं होती है, वो इन 4 सालों में नहीं सीख पाते कुछ, तो आप समझते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी ग्रूमिंग? इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 4.0 CGPA लेके एंड इफ यू आर अनेबल टू टॉक टू समवन और यू आर अनेबल टू कैरी योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ बॉडी ऑफ मैन सिटिंग देयर, आप इंटरव्यू ले रही हैं, तो 4.0 CGPA इज नथिंग। वो कहेंगे अच्छा जी आप ठीक हो जाएंगे तब आप आइएगा। और हमें से बहुत से बच्चों को इस तरह देखे कि वो GPA उनका अगर अच्छा ना भी हो बट अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत सक्सेसफुल रह जाते हैं। ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपके पास टाइम बहुत कम था वरना बहुत से सवाल थे जो हमने आपसे पूछने थे, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सर। ये था हमारा आज का शो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड जो स्टूडेंट्स भी नेवी को या सर की जो गाइडेंस है उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, नेवी को एज अ करियर परसू करना चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनको बहुत अच्छी जो है वो एडवाइस मिली होगी। हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए राइज एंड शाइन विद बहरिया। आज आप हमारे सेट पे जो सेलिब्रेशन देख रहे हैं वो हम लोग अपनी 50th एपिसोड जो है राइज एंड शाइन विद बहरिया की सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमने प्रो डायरेक्टर को, डायरेक्टर कैंपस और हमारे जो फैकल्टी है उनको हमने इनवाइट किया कि वो हमारे साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करें। कोई भी जो शो है, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो उस वक्त तक सक्सेसफुली नहीं चल सकता जब तक आपको सपोर्ट ना हो अपनी टीचर्स की तरफ से, अपने प्रोफेसर्स की तरफ से, और उनके बगैर ये अचीव करना, ये माइलस्टोन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मैं बहरिया यूनिवर्सिटी के रेक्टर, प्रो रेक्टर, डायरेक्टर कैंपस, HOD सर वहीद, हमारे तमाम टीचर्स, मैम तहरीम, ताबिंदा, सर नदीम, सबको थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया और जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक अचीव कर पाए कि हमने 50 एपिसोड्स जो हैं वो कंप्लीट की हैं। और अब हम सर को कहेंगे कि वो केक काटें और हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। और सर प्लीज़, सर कोई अगर आप कुछ कहना चाहें तो। बहुत ही ज़बरदस्त एफर्ट की है और आज इसको सेलिब्रेट करने के लिए आई थिंक पूरी की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एंड आई डू रिमेंबर के मैंने कोई दूसरे ही प्रोग्राम में शामिल हुआ था और उस वक्त से मुझे लग रहा था कि ये प्रोफेशनल टीम है, तो आई थिंक ऑल क्रेडिट टू द मीडिया डिपार्टमेंट, ऑल क्रेडिट टू द मॉर्निंग टीम एंड ऑल क्रेडिट टू द होस्ट। थैंक यू। ये इसी तरह मेहनत करते रहे और BUTV जो है वो इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती रहे जो है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस सर ने कह दिया, मैं मैसेज को सेकंड करूंगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है आपका। थैंक यू सो मच सर। सर वहीद आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस आई रियली आई एम क्वाइट हैप्पी टुडे कि जिस सफर को हमने शुरू किया विद ऑल सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू डायरेक्टर, प्रो डायरेक्टर, DIC, ऑल दोज डिपार्टमेंट्स जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पूरी यूनिवर्सिटी की, हमारे अपने कलीग, मेरे फैकल्टी के मेंबर, स्टूडेंट्स खासकर, जिस दिलचस्पी से इन्होंने काम किया है, आप सारे लोग, यू बीइंग एंकर, ये एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, इस डिपार्टमेंट के लिए फ़ख्र की बात है। और हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तानी मीडिया की इंडस्ट्री में मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स को जो हैं वो देखें अगले चंद सालों में, और वो अच्छी पोजीशंस पे हों, अपना रोज़गार भी वो अच्छे तरीके से करें, एक रिस्पेक्टेबल, और यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करें। एंड आई रियली कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच सर। सर आप प्लीज। Ha ha ha!